Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Housekeeping Guru 34. So today we are here for the training topic is lost and found procedure. Lost and found procedure क्या होता है और उसका क्या SOPs है या उसके तरीका क्या होता है उसको handling करने का, ये आज का training topic है. So lost and found एक very important चीज होता है जो अपने guest related items होते हैं जो housekeeping के पास रखा जाता है. Lost and found is under comes under housekeeping department. Lost and found housekeeping department के अंदर आता है. तो उसके procedure क्या होता है, उसको handle करने का उसका तरीका क्या होता है और उसके SOPs क्या है, तो हमारे ये वीडियो में आज हम ये जानने सीखने जा रहे हैं. So वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल्स को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपको कमेंट्स करना है, कोई वीडियो कोई ट्रेनिंग आपको जानना है तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं वो ट्रेनिंग आपको जरूर शेयर करूंगा. तो ये भी एक मेरा व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था जो ये लॉस्ट एंड फाउंड के लिए, तो उन व्यूअर्स के लिए मैंने ये लॉस्ट एंड फाउंड ट्रेनिंग का आपको तरफ से मेरे तरफ से है. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग टुडे टू लॉस्ट एंड फाउंड. लॉस्ट एंड फाउंड जो सुनने में क्या लगता है, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया फिर पाया, ऐसे होता है ना. सो लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है, हम हमारे होटल में गेस्ट के रूम चेकआउट होने के बाद जो गेस्ट का आइटम्स एक चेकआउट लिया, लेने के टाइम पे मान लो उस टाइम पे देखा नहीं है गेस्ट ने ऐसा कोई जगह पे रखा है तो उस टाइम रूम अटेंडेंट को मिला नहीं. बाद में चेकआउट हो जाने के बाद रूम अटेंडेंट जब क्लीन करने आया रूम, वो क्लीन करने के टाइम पे अगर गेस्ट के रूम में से कोई भी कॉर्नर से बेड के नीचे से या कहीं से भी कुछ भी सामान मिले तो वो सबमिटेड होता है लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर. वो लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर सबमिटेड होता है या एनी पब्लिक एरिया से, कोई भी पब्लिक एरिया जैसे जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, लॉबी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कोई भी पब्लिक एरिया जहाँ से कुछ भी सामान गेस्ट के छूटा हुआ मिले तो वो हम लोग क्या लॉस्ट एंड फाउंड में रिपोर्ट करते और लॉस्ट एंड फाउंड में सबमिट करते. अगर रूम से कुछ मिला जो हम लोगों को मालूम है ये वही गेस्ट का है, वो रूम नंबर को है, तो हम लोग क्या करते हैं गेस्ट को कॉल करते या मेल करते, गेस्ट को इन्फॉर्मेशन देते हैं सर आपका ये लॉस्ट एंड फाउंड हमारे पास सुरक्षित है, आप कभी भी आके इसको लेके जा सकते हो. ठीक है, तो ये हमको गेस्ट को रिपोर्ट करना पड़ता है और गेस्ट को जनाना इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है जी ये लॉस्ट एंड फाउंड हमारे पास है, तो आप टेंशन मत लीजिए. क्योंकि कभी भी एक गेस्ट का मोबाइल छूट गया और एक गेस्ट का कोई वॉच छूट गया, एक गेस्ट का कोई मनी या गोल्ड छूट गया तो गेस्ट को टेंशन होगा जे क्या हुआ नहीं हुआ. तो हम लोग उसी दिन जब जिस दिन हमको मिला उसी टाइम हम लोग गेस्ट को कॉल करने के लिए कोशिश करते, अगर गेस्ट का कॉल नहीं लग रहा है तो गेस्ट को हम लोग मैसेज ईमेल के थ्रू मैसेज कर देते जे सर आपका ये आइटम हमारे पास सुरक्षित है, आप आके कभी भी आके लेके जा सकते हैं आपके आइडेंटिटी प्रूफ देके. तो ये होता है. तो इसमें लॉस्ट एंड फाउंड का प्रोसीजर क्या होता है, एसओपीस क्या होता है, इसको फॉलो करने का जो तरीका वो क्या होता है. लॉस्ट एंड फाउंड होते हैं थ्री टाइप्स का हमारे पास लॉस्ट एंड फाउंड होते हैं, जैसे वैल्यूएबल, नॉन वैल्यूएबल और पेरिशेबल. तो ये होता है थ्री टाइप्स का लॉस्ट एंड फाउंड. लॉस्ट एंड फाउंड अभी आते हैं हम लोग वैल्यूएबल आइटम्स. वैल्यूएबल आइटम्स में क्या क्या आता है, वैल्यूएबल आइटम्स में आते हैं जे जैसा हो गया आपका पर्स हो गया, कोई गेस्ट का वॉलेट या कोई मोबाइल या वॉचेस, कोई वॉचेस हो गया, कार की हो गया, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, ज्वेलरीज हो गए, मनी हो गया, ये सब आता है ATC, ये सब आता है लॉस्ट वैल्यूएबल आइटम्स के अंदर. और नॉन वैल्यूएबल क्या आता है, जैसे क्लॉथ्स हो गए, शूज हो गए या अम्ब्रेला हो गया या कोई मान लो जो कॉस्टली आइटम्स नहीं है जो भी है, बुक्स हो गया, ये सब चीज जो नॉन वैल्यूएबल आइटम में आते हैं. और हम आते पेरिशेबल, पेरिशेबल आइटम्स में क्या आते हैं, पेरिशेबल्स में आइटम्स में आते हैं जैसा कोई पैकेटिंग फूड या ओपन फूड. सो ये सब आते हैं पेरिशेबल आइटम्स के अंदर. ठीक है, तो हम एक एक करके जानेंगे इसका तरीका क्या है और SOPs क्या होता है. सो सबसे पहले आते हैं हम वैल्यूएबल आइटम्स में. आपको तो पता ही चला वैल्यूएबल आइटम्स में क्या क्या आता है. तो वैल्यूएबल आइटम्स का प्रोसीजर होता है, वैल्यूएबल आइटम्स के लिए एक अलग से रजिस्टर होता है हाउसकीपिंग के पास, जो रजिस्टर में ओनली फॉर वैल्यूएबल आइटम्स रजिस्टर किया जाता है, मेंशन किया जाता है. ये स्पेशल सेफ्टी के लिए और गेस्ट के सेफ्टी के लिए या होटल्स के सेफ्टी के लिए स्पेशली रखा जाता है, ये ओनली फॉर वैल्यूएबल आइटम्स. और वैल्यूएबल आइटम्स हाउसकीपिंग भी अपने तरफ से सेफ्टी लॉकर में या नहीं तो कोई सेफ जगह पे रखते हैं
जो सीसीटीवी के अंदर सर्वेलेंस में आए या सेफ्टी हो, जो कोई भी ओपन ना कर पाए, ओनली कोई ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही हो, तो वैल्यूएबल आइटम्स के अंदर आता है। वैल्यूएबल आइटम्स क्या होता है, रखने का प्रोसेस होता है, जो टाइम हो टाइमिंग हो टाइमिंग गैप होता है वैल्यूएबल आइटम्स का, इंटरनेशनल पॉलिसी के हिसाब से 1 साल होता है या कोई कोई होटल्स के 6 महीना, मतलब ये दोनों टाइमिंग होता है वैल्यूएबल आइटम्स का रखने का प्रोसेस के, जो ये होटल के एसओपी के ऊपर होता है। कोई होटल 6 महीना रखते हैं, कोई होटल 1 साल रखते हैं, ये होटल के एसओपी के ऊपर। 1 साल रखते हैं, 6 महीना रखते हैं, आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा जे 1 साल के बाद क्या होता है या 6 महीने के बाद वो आइटम्स का क्या होता है। हम लोग जब गेस्ट को इन्फॉर्मेशन करते हैं, अगर कोई गेस्ट मेल का फीडबैक करता है जे नहीं मुझे मेरा इतना ही तो है और ये है मुझे नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग वो टाइम पीरियड तक उसको रखते हैं। अगर कोई गेस्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, कोई गेस्ट से कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ या कोई गेस्ट से इन्फॉर्मेशन भी नहीं आया, हमारे पास कॉल बैक भी नहीं आया जो आपके पास वो आइटम्स पड़ा हुआ है कि नहीं है, तो हम उस आइटम्स को क्या करते हैं 1 साल या 6 महीने तक रखते हैं होटल के पॉलिसी के हिसाब से, एसओपी के हिसाब से। तो आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर वो आइटम्स को, जो फाउंडर है जिसको मिला था वो आइटम, उसको हैंड ओवर किया जाता है या नहीं तो होटल के पॉलिसी के हिसाब से होटल उसको उस हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से उसको रिलीज करते हैं। अगर होटल के पॉलिसी के हिसाब से उसको ऑक्शन में डाले तो होटल ऑक्शन में डाल सकते हैं, या जिसको मिला था वो आइटम उसी को दे सकते हैं तो उसको दे सकते हैं। ये पॉलिसी के अंदर आता है, एसओपी के अंदर आता है। ये होता है वैल्यूएबल आइटम्स का। फिर आते हैं हम लोग नॉन वैल्यूएबल आइटम्स। नॉन वैल्यूएबल आइटम्स में आते हैं जैसे आपका क्लॉथ्स हो गए या शूज हो गए, अम्ब्रेला हो गया, कैप हो गया, या कोई जो ज़्यादा कॉस्टली आइटम्स ना हो, ठीक है। सो उस आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, कोई कोई होटल 6 मंथ और कोई कोई होटल 3 मंथ्स रखते हैं, ये टाइम पीरियड होता है इसका। सो वो होटल के एसओपी के ऊपर, फिर से तो 3 मंथ्स और 6 मंथ होता है होटल के एसओपी के हिसाब से जो रखने का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो आइटम को सेम प्रोसेस, अगर वो आइटम को ऑक्शन करना चाहिए स्टाफ या किसी को डोनेट करना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए, वो आइटम डोनेशन कर सकते हैं होटल, या जो जिसको मिला था वो उसको भी दे सकते हैं, जिसको मिला है वो पर्सन को वो हैंडओवर कर सकते हैं और वो रजिस्टर से और सिस्टम से वो डिलीट हो जाता है सिक्योरिटी जीएम और हाउसकीपर का सिग्नेचर से, तो वो आइटम रजिस्टर से या सिस्टम से डिलीट हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग पेरिशेबल आइटम्स। पेरिशेबल आइटम्स के अंदर होता है पैकेटिंग फूड्स। पैकेटिंग फूड्स में कुछ भी आए, सॉरी पैकेटिंग फूड में कुछ भी आए, जस्ट लाइक आपके आते मैगी हो गया या कुछ भी जो फूड्स आते पैकेट फूड्स और ओपन फूड्स। पेरिशेबल आइटम्स में भी रखने का तरीका है क्या होगा, अगर ओपन फूड्स मिला तो हम लोग उसी दिन के लिए, जिस दिन मिला उसी दिन तक रख सकते हैं, उसके नेक्स्ट दिन उसको डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग कहीं पे भी उसको ये कर सकता है। ओपन फूड हुआ, और अगर पैकेट फूड हुआ जो सील पैक होता है, जो पैकेट वो अगर हुआ तो हम लोग ओनली फॉर 2-3 डेज रख सकते हैं उसको, ठीक है। 3 डेज के ऊपर हम लोग वो रख नहीं सकते या रखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग उसको जिसको मिला था अगर वो लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, उसको दे सकते हैं, और नहीं तो उसको डिस्पोज कर देते हैं। ये होता है वैल्यूएबल, नॉन वैल्यूएबल, पेरिशेबल। पेरिशेबल अंडर के आधार एक और भी चीज आता है, जो कोई कोई होटल ये 3 आइटम्स के साथ लीकर भी रखते हैं, एक लॉस्ट एंड फाउंड के एक टाइप्स में 4 टाइप्स हो गया, और कोई कोई होटल्स लीकर भी पेरिशेबल अंडर के अंदर रखते हैं, जो 3 दिन के बाद उसको हम लोग किसी के हाथ में हैंड ओवर नहीं करते, जो सिक्योरिटी की मौजूदगी में वो हम लोग कहीं फेंक थ्रो कर देते, जो वो हम किसी के हाथ में नहीं दे सकते लीकर, ठीक है, अल्कोहल जो भी होता है। ये होता है पूरा लॉस्ट एंड फाउंड के टाइप्स। तो लॉस्ट एंड फाउंड के तरीके ये जो हुआ, जैसे हम लोग ये आपको पता चला लॉस्ट एंड फाउंड के एसओपीस क्या है और लॉस्ट एंड फाउंड कौन से टाइप्स के होते हैं और उसके अंदर क्या क्या आता है ये आपको पता चला। अभी लॉस्ट एंड फाउंड जब मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे जीएसए हुआ या पब्लिक एरिया जीएसए हुआ, किसी को भी होटल के कोई भी स्टाफ को लॉस्ट एंड फाउंड मिल रहा है, सबसे पहले वो हाउसकीपिंग में जमा करते, ठीक है। हाउसकीपिंग में जमा होने के बाद उसके रजिस्टर फॉलो किया जाता है और लॉस्ट एंड फाउंड का स्लिप फॉलो हो जाता है। जो लॉस्ट एंड फाउंड का स्लिप होता है मैं आपके वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि लॉस्ट एंड फाउंड का स्लिप किस तरीके होता है, उसमें क्या क्या मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके वीडियो के एंड में वो मिल जाएगा लॉस्ट एंड फाउंड का स्लिप्स, ठीक है। सो लॉस्ट एंड फाउंड के स्लिप मेंशन करना पड़ता है, जो उसमें लिखा रहता है जे नेम, क्या आइटम्स है,
और किसको मिला है, कौन सी डेट पे, कौन सी टाइम में और कौन सी जगह पे मिला है, ये सब वहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। और कोई कोई होटल के पॉलिसी के हिसाब से लॉस्ट एंड फाउंड के जो स्लिप्स होते हैं उसमें इतना भी मेंशन किया जाता है अप्रॉक्स प्राइस क्या हो सकता है अंदाज से। जैसा मान लो ये ब्रांड का एक मोबाइल मिला है तो उसको ऑनलाइन से भी हमको प्राइस मिल जाता है, एक अप्रॉक्स प्राइस हम लोग पकड़ के रख सकते हैं। तो क्या हम लोगों को आइडिया आएगा जी ये वैल्यूएबल के अंदर जाएगा या नॉन वैल्यूएबल के अंदर जाएगा। सो ये चीज होता है। बट कोई कोई चीज ऐसा भी होता है जो हम लोग प्राइस लिखते जरूर है लेकिन वैल्यूएबल आइटम के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट के साथ बहुत चीज का इमोशन जुड़ा हुआ रहता है तो हमको तो वो मालूम नहीं पड़ता। बट हम लोग कॉस्ट के हिसाब से या आइटम के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो स्लिप फिलअप किया जाता है, फिर रजिस्टर में लिखा जाता है। रजिस्टर में लिखने से पहले हम लोग स्लिप के बाद हम लोग डायरेक्ट एंट्री करते हैं सिस्टम में। सिस्टम में एंट्री करते हैं जी कौन सा डेट में क्या है और जो भी स्लिप पूरा फिलअप स्लिप में फिल हुआ है वो सेम सिस्टम में फिल होगा। सिस्टम में फिल होने के बाद हम लोग रजिस्टर मेंशन करते हैं, जो सिस्टम में एक नंबर आता है नंबर कोड या सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर देके हम लोग रजिस्टर में मेंशन करते हैं वो चीज। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। इसमें हम लोग सिस्टम में क्यों मेंशन करते हैं, क्यों रिसेप्शन में अगर कॉल आता है तो लॉस्ट एंड फाउंड के रिसेप्शन में ही आते कॉल, हाउसकीपिंग में डायरेक्ट कॉल नहीं आता है। अगर रिसेप्शन ट्रांसफर करे तो हाउसकीपिंग में आएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट गेस्ट का कॉल आता तो रिसेप्शन में या टेलीफोन ऑपरेटर के पास। तो वहां के लिए वो किसी को उस टाइम अगर गेस्ट का कॉल आए सर होल्ड कीजिए या मैं इसमें जगह पे चेक कर रहा हूँ, इस जगह पे चेक कर रहा हूँ, ये सब अगर ना हो इसके लिए, ये सब अवॉइड करने के लिए हम लोग होटल के सिस्टम में ये एंट्री करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड, जिसमें उसी जगह से टेलीफोन ऑपरेटर या रिसेप्शन पर्सन सिस्टम से चेक करके देख सकते हैं उस डेट में या रूम नंबर से कहाँ से क्या लॉस्ट एंड फाउंड मिला, तो गेस्ट को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसी के लिए गेस्ट की सुविधा के लिए हम लोग, क्योंकि होटल इंडस्ट्री हम लोग है यहाँ पे गेस्ट की सुविधा के लिए, सो इसीलिए हम लोग सिस्टम में एंट्री करते हैं। तो ये होता है लॉस्ट एंड फाउंड एंट्री का प्रोसेस। फिर हम लोग जब लॉस्ट एंड फाउंड रिलीज करते हैं, नॉट स्टाफ को या जिसको मिला है उसको नहीं, हम लोग जब गेस्ट को रिटर्न करते हैं, कोई आइटम गेस्ट आया वापस लेने के लिए तो रिटर्न करने के लिए भी पॉलिसी है सोपी से। कैसा है, अगर गेस्ट आया तो गेस्ट को वो डेफिनेशन देना पड़ेगा, जैसे हमारा ये आइटम था यहाँ पे लॉस हुआ या यहाँ पे मेरा खो गया था, तो हम लोग वो आइटम चेक करते हैं गेस्ट के साथ मिला के। फिर अगर गेस्ट का ये आइटम हुआ फिर गेस्ट के से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ गेस्ट से लेके उसमें सिग्नेचर रजिस्टर में सिग्नेचर और वो लॉन्ड्री जो अपना स्लिप होता है लॉस्ट एंड फाउंड का, लॉस्ट एंड फाउंड में स्लिप सिग्नेचर लेने के बाद जो रजिस्टर होता है वहाँ पे एक विटनेस बोल के एक कलम आता है। विटनेस में जो रिसेप्शन के ड्यूटी मैनेजर होता है या कोई भी रिसेप्शन के हेड उस टाइम के हेड होगा, जैसे मान लीजिए कोई सुपरवाइजर हुआ या कोई एग्जीक्यूटिव है, तो उनके मौजूदगी में वो विटनेस का साइन लिया जाता है जी हम लोगों ने ये लॉस्ट एंड फाउंड गेस्ट को प्रोवाइड कर दिया, ऑलरेडी रिटर्न कर दिया। तो विटनेस सिग्नेचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो ये कभी मत भूलना दोस्तों जी, आप विटनेस सिग्नेचर हमेशा लेना रिटर्न के टाइम पे, ठीक है। सो ये होता है रिटर्निंग पॉलिसी या रिटर्न प्रोसेस। तो जब आप रिटर्न प्रोसेस करने के टाइम पे सिस्टम में रिटर्न के डिटेल्स डालोगे, कौन सी गेस्ट आया था, कितने तारीख को रिटर्न किया, कौन सी टाइम में, तब रिटर्न करने के टाइम पे जब प्रिंट करोगे तब वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली डिलीट होकर पेज में प्रिंट आउट हो जाएगा। फिर ये पेपर्स हम लोग फाइलिंग करते हैं रिटर्न फाइल या रिलीज फाइल में लॉस्ट एंड फाउंड का, उसमें हम लोग फाइलिंग करते हैं। क्यों, हमारे सेफ्टी के लिए, जे आइंदा कोई भी गेस्ट आके ब्लेम करे या कोई भी कुछ भी आके ब्लेम करे तो हम लोग गेस्ट को उसको दिखा पाए, या कोई भी आके ब्लेम करने से हम लोग वो रजिस्टर या वो फाइल शो करे जी ये बंदा लेके गया था आपका आइटम से लेके गया था जो भी हो। लेकिन देने से पहले प्लीज प्लीज गाइस हमेशा चेक करके, अच्छे से चेक करके ही रिटर्न करना है कोई भी आइटम, क्योंकि आप अगर बिना चेक करके रिटर्न करोगे तो किसी और का सामान किसी और के पास चला जाएगा तो आपके होटल में रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा रिलीज करने से पहले आप अच्छे से चेक करके आइटम लॉस्ट एंड फाउंड का रिलीज करना, ठीक है। सो ये होता है फुल लॉस्ट एंड फाउंड का प्रोसीजर, लॉस्ट एंड फाउंड की प्रोसीजर। तो फिर कितना टाइप्स का लॉस्ट एंड फाउंड हुआ, वैल्यूएबल, नॉन वैल्यूएबल एंड पेरिशेबल आइटम्स। सो ये होता है लॉस्ट एंड फाउंड का एसओपी और लॉस्ट एंड फाउंड का तरीका और प्रोसीजर। सो ये लॉस्ट एंड फाउंड के तरीके और प्रोसीजर जो भी है इसको लेके अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे चैनल पे जाके आप मेरा ईमेल आईडी है वो आप ईमेल आईडी में आप मेल कर सकते हो, तो जरूर मैं आपका क्वेश्चन या आपका कोई भी क्वेरीज हो मैं आपको क्लियर करूँगा।
और मेरा वीडियो और मेरा ट्रेनिंग्स आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर मेरे ट्रेनिंग्स किसी को शेयर कीजिए जिसको जरूरी है। शेयर करना, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। अगर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब बेल आइकन दबाओगे, सब्सक्राइब करोगे, तब भी अपडेटेड ट्रेनिंग्स जो भी है आपके यूट्यूब में शो करेगी, तो आपको ट्रेनिंग्स मिलता रहेगा। और आपको कुछ भी ट्रेनिंग सीखना है, जानना है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, मेल कर सकते हो, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो या कोई भी वीडियो में आपको वो ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड करूँगा, मेरा वादा है आपसे। सो आज के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल हाउसकीपिंग गुरु 34। मैं हूँ राकेश नाग आपके साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट कोई अपकमिंग वीडियो, अपकमिंग ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।